30 साल पहले एक जर्मन तांत्रिक गुरु ने अपनी बुक में एक बहुत सीरियस चीज कही थी कि उनको पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। अमरी आज सपूतनी असा के बचायो आ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि उनको ये चीज अपनी मेडिटेशन से पता चली है। इंडस वैली साइट से हमें 4000 से ज्यादा आइटम्स मिले हैं जिनको लोग कई सालों से डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी टाइम की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। उस जर्मन गुरु ने कहा कि उनके हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बीच और ऋग्वेदा के बीच एक कनेक्शन है। अब ये बुक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल थी। कई लोग बहुत गुस्से में आए कि एक गुरु मेडिटेशन के जरिए ये चीज कैसे जान सकता है। वहीं दूसरे लोग बहुत खुश थे। उनका मानना था कि इस चीज से ये प्रूव हो गया कि हिंदुइज्म एक बहुत पुराना रिलीजन है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन, वो 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो लोग क्यों जानना चाहते कि एक 4000 साल पुरानी लैंग्वेज थी क्या? अब हरप्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के पहले ये माना जाता था कि जो सबसे पुराने इंडियंस थे उनका जन्म हुआ 1500 BC और 500 BC के बीच, और उन्होंने वेदास लिखी थी जो हमारे आज के हिंदुइज्म की फाउंडेशन है। अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हरप्पा के लोग संस्कृत जैसी भाषा बोलते थे तो शायद हम दो चीजें प्रूव कर पाएंगे। पहला कि हिंदुइज्म एक बहुत पुराना रिलीजन है, और दूसरा कि इंडिया बहुत सालों से एक हिंदू कंट्री रही है। और अगर हमें पता चला कि वो भाषा संस्कृत जैसी नहीं थी तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वेदास के पहले भी हमारा एक कल्चर था और हमारी हिस्ट्री थी जिसका हिंदुइज्म से कोई संबंध नहीं था। तो वो कौन सी भाषा बोलते थे उसका हमारे आज के कल्चर, पॉलिटिक्स और रिलीजन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी मिस्ट्री की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इस चीज को देखिए, आपके हिसाब से ये चीज कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी ये है एक सील जो मिला था हमें हरप्पा से। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंगम एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पंजाब में एक खंडर में घूम रहे थे जिसको लोकल्स बुला रहे थे हरप्पा। उनके इधर आने से करीब 20 साल पहले वो रेलवे इंजीनियर्स जो मुल्तान लाहौर की रेलवे ट्रैक्स पर काम कर रहे थे उनको ये खंडर मिला था। इस खंडर में उन इंजीनियर्स को कुछ पत्थर मिले थे जो उन्होंने यूज करे अपनी रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, पर उनको पता नहीं था कि ये पत्थर एक एंशियंट सिविलाइजेशन से है। कनिंगम को भी जानकारी नहीं थी कि इस खंडर की क्या इम्पोर्टेंस थी, पर क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ आइडिया था कि ये चीज बहुत ऐतिहासिक है, इसीलिए वो और उनकी टीम इस खंडर में जांच करने लग गए। उनको कई पत्थर के टूल्स मिले और मिट्टी के बर्तन भी, पर उनको एक बहुत ही यूनिक चीज मिली, एक पत्थर का टैबलेट या फिर सील। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि उस पत्थर में बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग थी जो उनको समझ नहीं आई। इस इंसिडेंट के 40 साल बाद एक 21 साल के ऑफिसर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, रखल दास बैनर्जी, वो रिसर्च के लिए निकले हरप्पा के पास एक जगह में। उन्होंने एक बुद्धिस्ट स्तूपा देखा और उनको लगा कि इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने अपने बॉस जॉन मार्शल को बोला कि हमें इस चीज को खोदना चाहिए। जो उनको मिला वो शायद इंडिया के लिए 20th सेंचुरी में सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। उस बुद्धा स्तूपा के नीचे उनको एक पूरा शहर मिल गया। उस शहर का नाम था मोहनजोदारो, इसका मतलब है माउंट ऑफ द डेड या फिर मरे हुए लोगों का टीला। उनको कई स्टैम्प्स मिले, कई मिट्टी के बर्तन, ईंट के घर और वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी। उनको ऐसी कई चीजें मिली जो 40 साल पहले कनिंगम को हरप्पा में मिली थी। हरप्पा और मोहनजोदारो की खोज के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1924 में कहा था कि हमें एक ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशन मिल गई है जो इंडिया की हिस्ट्री में शायद सबसे पुरानी है। जब ऐसी पत्थर की टैबलेट्स की फोटोज पब्लिश हुई तो ये पाया गया कि ऐसी टैबलेट्स इराक में भी मिली थी जहाँ एंशियंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया पाई गई थी। इसलिए हिस्टोरियंस ने कहा कि मोहनजोदारो और हरप्पन सिविलाइजेशन 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और क्योंकि ये दोनों सिविलाइजेशंस इंडस नदी के पास थी इनको बुलाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कुछ हिस्टोरियंस ये जरूर कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सिविलाइजेशन हमारी पूरी दुनिया की एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशन में से एक है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट और मेसोपोटामिया से अलग थी। इस सिविलाइजेशन को डोमिनेट कई पावरफुल रिलीजियस लोग नहीं करते थे, ना कोई मंदिर थे और ना कोई भगवान या फिर राजा की फोटोज पाई गई, बल्कि उधर हमें मिले हजारों आइटम्स, और उनमें से करीब 4000 में हमें इंस्क्रिप्शंस मिले
जिनमें करीब 400 से 700 सिंबल्स थे। कई लोगों ने जांचने की कोशिश करी है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, पर वो इस चीज में नाकाम रहे। अब इस लैंग्वेज की मिस्ट्री सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों रहा है? इसके दो कारण है। पहला कारण है कि हिस्टोरियंस को कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। अब इसका मतलब क्या है? इस स्क्रिप्ट को देखिए, ये है राइटिंग सिस्टम जो एंशियंट इजिप्ट में यूज किया गया था। अब जहाँ इंडस स्क्रिप्ट में मैक्सिमम 700 सिंबल्स थे, इजिप्ट की स्क्रिप्ट में 1000 से ज्यादा सिंबल्स थे, तो फिर हिस्टोरियंस इजिप्शियन स्क्रिप्ट को कैसे समझ पाए थे? रोजेटा स्टोन की वजह से। 1799 में नेपोलियन के फ्रेंच सोल्जर्स इजिमन ऑटोमन आर्मी से लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान जब वो एक दीवार तोड़ रहे थे तो उनको एक बड़ा सा पत्थर मिला। आज ये पत्थर ब्रिटिश म्यूजियम में सबसे पॉपुलर आइटम्स में से एक है। इस पत्थर में लिखा है एक इजिप्शियन किंग के बारे में जो इजिप्ट के राजा बने थे 204 BC में। अब हमें तो रोजेटा स्टोन नहीं मिला, पर मेरे लिए रोजेटा स्टोन होगा अगर आप में से 53% लोग जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब सब्सक्राइब करोगे, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। अब इस पत्थर में इजिप्शियन किंग के बारे में जो लिखा गया है वो तीन भाषा में लिखा गया है, जिनमें से दो इजिप्शियन स्क्रिप्ट है और एक एंशियंट ग्रीक स्क्रिप्ट है। अब क्योंकि हिस्टोरियंस एंशियंट ग्रीक भाषा को जानते थे, उन्होंने उस भाषा को इस इजिप्शियन स्क्रिप्ट से कंपेयर किया ये जानने के लिए कि हर सिंबल का मतलब क्या है, और इसी मेथड से उनको पता चला कि इजिप्शियन भाषा बोल क्या रही है। पर अनफॉर्चुनेटली इंडस वैली के केस में हमें ऐसा कोई पत्थर मिला नहीं है, इसी वजह से हम उस भाषा का कंपेरिजन दूसरी भाषा से नहीं कर पाए हैं। अब ये है पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये जो पत्थर पाए गए थे इंडस वैली में ये भी थोड़े अजीब से थे। प्रॉब्लम थी कि ऐसे पत्थर बहुत छोटे थे, इसी वजह से जो भी हमें राइटिंग दिखी वो बहुत बड़ी चीजें शायद नहीं डिस्क्राइब कर रही थी। इन पत्थरों के अलावा कॉपर टैबलेट्स पर, मिट्टी के बर्तन पर और एक साइन बोर्ड पर जो हमें मिला था ढोलवीर की एंशियंट सिटी में, पर इन सारी चीजों में टेक्स्ट इतना छोटा था कि लोगों को डीकोड करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जहां रोजेटा स्टोन में एक पूरी अनाउंसमेंट थी किंग के बारे में, इन पत्थरों में शायद फुल सेंटेंसेस भी नहीं थे। अब हम चाहे पूरी लैंग्वेज ना समझ पाए हो, पर हमें बहुत चीजें जरूर पता चली हैं इंडस भाषा के बारे में। मेनली दो चीजें, जैसे इन दोनों सील्स को देखिए। अगर आप इस टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि कैसे लेफ्ट साइड में इतनी स्पेस नहीं थी, एक सील में तो जो सिंबल्स हैं वो राइटिंग की लाइन के नीचे भी लिखे हुए हैं, मानो कि उस व्यक्ति के पास स्पेस नहीं बची लिखने की। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब हम पेपर में लिख रहे होते हैं पर स्पेस बचती ही नहीं है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया है कि शायद ये राइटिंग लेफ्ट टू राइट नहीं थी बल्कि राइट टू लेफ्ट थी उर्दू की तरह। अब हमें इस चीज का डायरेक्शन तो पता है, पर क्या हमें पता है कि ये सिंबल्स एक लैंग्वेज भी थे या नहीं? 2004 में हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने एक बहुत सीरियस चीज कही थी। उन्होंने कहा कि जो भी हमने राइटिंग देखी है इंडस वैली से वो लंबे सेंटेंसेस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो कोई लैंग्वेज भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिंबल्स बस मानो लोगोज हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में। अब ये एक बहुत सीरियस चीज थी क्योंकि सारे हिस्टोरियंस ये बोल रहे थे कि एक भाषा ही है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने अपनी एनालिसिस करी, उन्होंने कहा कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस पर 5 से कम कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स रिपीट भी नहीं होते इतना, तो भले ये सिंबल्स एक लैंग्वेज कैसे हो सकते। पर बाद में प्रूव हुआ कि ये स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हर स्क्रिप्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स से बनती है और हर भाषा एक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं, कोई भी वर्ड जो क्यू से स्टार्ट होता है उसका सेकंड लेटर यू होता है और थर्ड लेटर या तो आई हो सकता है जैसे क्विक में, ई हो सकता है जैसे क्वीन में, या फिर ए हो सकता है जैसे क्वांटम में। पर क्यू यू के बाद आपको कभी बी सी एल या फिर एम नहीं मिलेगा इंग्लिश भाषा में। हर लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है जो ना ही बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम कुछ सिंबल्स को जोड़ देंगे तो एक भाषा बन जाएगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम कई स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं जो एक लैंग्वेज नहीं है जिसे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कंप्यूटर कोड बहुत स्ट्रिक्ट है जबकि म्यूजिकल नोटेशन या फिर एक डीएनए सीक्वेंस बहुत फ्लेक्सिबल है। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट में जो सिंबल्स यूज करे गए वो ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये सिंबल्स एक लैंग्वेज है। और ऐसा ही किया कंप्यूटर साइंटिस्ट और हिस्टोरियन राजेश राव ने। अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की टीम के साथ उन्होंने एक AI प्रोग्राम क्रिएट किया इन सिंबल्स का पैटर्न जानने के लिए, और उन्होंने पाया कि ये सिंबल्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे इस डायमंड सिंबल के बाद मोस्टली ये सिंबल आता है और इन दोनों सिंबल्स के बाद यूजुअली एक मछली जैसा सिंबल आता है, पर ऐसे सिंबल्स कभी नहीं आते। जितना ज्यादा डेटा राजेश राव और उनकी टीम ने यूज किया कंप्यूटर प्रोग्राम में, उन्होंने पाया कि ये सारे सिंबल्स एक सेमी फ्लेक्सिबल पैटर्न यूज करते हैं, यानी कि ऐसा पैटर्न जो ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है
और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल। अब इस ग्राफ में जहाँ डीएनए सीक्वेंस और म्यूजिक की भाषा बहुत ज्यादा रैंडम है और कंप्यूटर कोड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बीच में आती है इंडस्क्रिप्ट दूसरी भाषाओं के साथ, जिसकी वजह से राजेश राव और उनकी टीम ने ये प्रूव कर दिया कि ये इंडस्क्रिप्ट एक भाषा ही है। अब ये चीज ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी थी राजेश राव और उनकी टीम के लिए, और आजकल एआई और मशीन लर्निंग हर चीज में यूज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन या मैन्युफैक्चरिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक। ये वीडियो भी यूट्यूब आपको एआई के जरिए ही रेकमेंड कर रहा है। हमारी जिंदगी में ऑलमोस्ट सभी चीजें अब एआई से इन्फ्लुएंस होंगी, पर अभी भी कई इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स के पास एआई और मशीन लर्निंग स्किल्स है नहीं, जिसकी वजह से उनको एक जॉब मिलना टॉप कंपनी में मुश्किल हो जाता है। फिर उनको ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जिनके लिए उनको बस 3 लाख रुपए दिए जाते हैं हर साल के। पर स्केलर के जरिए आप एआई और मशीन लर्निंग पर कोर्सेज कर सकते हो, जिससे आपको पता रहे कि इस फील्ड में लेटेस्ट चल क्या रहा है। स्केलर एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जहाँ हर स्टूडेंट को टॉप टेक कंपनीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। उनका फोकस है कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना, जिससे हम दुनिया के सबसे बेस्ट डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बना पाए। और इस चीज के लिए वो आपको हेल्प भी करते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस, जो बस लर्निंग के लिए नहीं है बल्कि आपको करियर और लाइफ एडवाइस भी मिलेगा। और क्योंकि इन मेंटर्स के पास टॉप टेक कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो आपको राइट करियर एडवाइस भी दे सकते हैं। स्केलर के स्टूडेंट्स कई बिग टेक कंपनीज जैसे अमेज़न और गूगल में प्लेस हुए हैं, और उनका जो एवरेज सैलरी हाइक हुआ है वो हुआ है 126%। और आप खुद एक फ्री लाइव क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ये देखने के लिए कि स्केलर का इम्पैक्ट क्या है। इसके अलावा आप ये भी सीख सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और आपको जॉब पर कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। तो अपने आपको अपस्किल करने के लिए चेकआउट scaler.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस जाते हैं हमारे इतिहास में। पर इस लैंग्वेज के बारे में दो कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरीज भी है। एक थ्योरी कहती है कि इंडस वैली की भाषा संस्कृत की तरह है, और दूसरी थ्योरी कहती है कि इंडस वैली की भाषा द्रविड़ियन लैंग्वेजेस जैसे तमिल की तरह है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंडस भाषा वैदिक संस्कृत की तरह है, क्योंकि दोनों वैदिक संस्कृत और इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुरानी है और एडवांस्ड है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक संस्कृत और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों सेम लोगों ने ही क्रिएट करी थी। पर इसके बारे में एक्सपर्ट्स को कोई ठोस एविडेंस मिला नहीं है, उल्टा उनको एविडेंस मिला है कि ये सच नहीं है। जैसे एक स्टडी ने एंशिएंट इंडियंस का डीएनए एनालाइज किया, और उन्होंने कहा कि वो लोग जो संस्कृत बोलते थे वो इंडिया तब आए थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी, जिसकी वजह से ये चांस कि इंडस वैली के लोग संस्कृत बोलते थे कम है। वहीं दूसरे स्कॉलर्स ने दिखाया कि कैसे इंडस वैली की भाषा द्रविड़ियन भाषाओं से मिलती जुलती है। अब हमें ये कैसे पता है? क्योंकि राजेश राव कहते हैं कि इंडिया में एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है जहाँ इंडियन नाम हमारी राशि पर निर्भर है। अगर हम ये मान ले कि इंडस वैली के लोग भी ऐसा ही ट्रेडिशन यूज करते थे, तो हम शायद ये प्रूव कर पाएंगे कि इंडस भाषा और द्रविड़ियन भाषा में एक लिंक है। जैसे इस सील को देखिए, इस सील में 6 लाइनें हैं और एक मछली जैसा सिंबल है, इसका मतलब है 6 मछली। अब पुरानी द्रविड़ियन लैंग्वेजेस में 6 को बुलाया जाता है आरू, और मछली को बुलाया जाता है मीन, तो हो गया आरू मीन। और आरू मीन का मतलब उन भाषाओं में होता है एक कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है कृतिका। तो क्या हम ये बोल सकते कि इंडस लोग द्रविड़ियन भाषा बोलते थे? नहीं, क्योंकि इस चीज के लिए हम 2 assumptions या फिर 2 कल्पनाएं कर रहे हैं। पहला, इन सील्स में लोगों के नाम हैं, और दूसरा कि ये नाम लोगों की राशि पर निर्भर थे। ये बस एक गैस ही है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडस भाषा इन दोनों में से किसकी तरह थी। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि हरप्पा या फिर इंडस वैली के लोग एक एंशिएंट द्रविड़ियन भाषा बोलते थे, तो उसका मतलब होगा कि द्रविड़ियन भाषा है इंडिया में एग्जिस्ट करती थी वैदिक संस्कृत से भी पहले, और वैदिक संस्कृत वही भाषा है जिससे वेदास बनाई गई थी। पर अगर ये प्रूव हुआ कि वो भाषा संस्कृत की तरह थी, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हिंदुइज्म उससे भी पुराना रिलीजन है जितना हमने सोचा भी नहीं था, और संस्कृत उन लोगों ने बनाई जो इंडिया से आए थे और ना कि इंडिया के बाहर से। तो सवाल ये होता है कि जिस तरह राजेश राव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया ये प्रूव करने के लिए कि ये स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, क्या हम एआई और मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये स्क्रिप्ट संस्कृत से रिलेटेड है या फिर द्रविड़ियन भाषाओं से? अब होपफुली ये हो सकता हो, पर अनफॉर्चुनेटली कई चैलेंजेस है। पहली बात है कि एआई तब काम करता है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, पर क्योंकि इंडस की राइटिंग इतनी छोटी है इसी वजह से हमारे पास इतना डेटा है नहीं। दूसरी बात है कि एआई डिपेंड करता है हाई क्वालिटी डेटा पर जिसको एक मशीन समझ सके, पर ये मुश्किल है क्योंकि इंडस की भाषा ऐसे पत्थरों से आ रही है जो बहुत डैमेज्ड है या फिर इनकम्प्लीट है। परफेक्ट सोल्यूशन होगा कि इजिप्शियन भाषा की तरह हमें एक रोजेटा स्टोन मिल जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये भाषा हमसे बोलना क्या चाहती है और कहाँ से आई है।
और अगर आपके पास AI और मशीन लर्निंग स्किल्स है तो क्या पता आप भी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और आजकल के एनवायरनमेंट में जब कंप्यूटर साइंस और AI में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो आपको अपस्किल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्केलर। तो अगर आप CS फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, डू चेकआउट स्केलर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, जहाँ हमने बात करी थी कि इंडियंस आए कहाँ से, और स्पेसिफिकली हमने बात करी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। तो इसको ज़रूर देखिए।